सो पदारो सा खम्मा कनी। तो हम हैं आज राजस्थान के एक गांव में और कल रात को हम यहां पे ऊपर ही सोए थे और पूरे गांव के जो लड़के हैं वो हमारे स्वागत में आए थे। बहुत मज़ा आया रात को भी। कल मैंने कुछ शूट नहीं किया लेकिन अभी हम जा रहे हैं एक तालाब पे स्विमिंग करने के लिए और नहाने के लिए। तो यहाँ पे कपड़ा अपड़ा ले लिया है और अभी आपको सबसे मिलाता हूँ और हम सब लोग आज एक दो दिन तक साथ में ही घूमने वाले हैं। सो बहुत मज़ा आने वाला है और यही क्रेजी एक्सपीरियंस लेने के लिए तो मैं राजस्थान के गांव में आया हूँ। तो फिर अभी चलते हैं नहाने के लिए मस्तवे की। तो ये है जी आज अपनी सवारी जो कि जिस पे हम जाने वाले हैं नहाने के लिए। सच में दो तीन दिन बहुत एक्साइटेड होने वाले। ओ जो सिटी की भीड़ भाड़ से ना मैं परेशान हो गया था पाँच छः दिन तक, लेकिन अभी मज़ा आने वाला है क्योंकि गांव की लाइफ हम जीने वाले हैं। तो लो भाई निकल पड़े तालाब पे स्विमिंग करने के लिए और इतना बड़ा तालाब है ना आप देख के हैरान हो जाओगे। तो यही है वो तालाब जिसमें हम आज स्विमिंग करने वाले हैं। बहुत ही बड़ा है, गहरा भी है, पास मास में ही तैरेंगे। भाई इनको एक्सपीरियंस है, मुझे नहीं है। बोले खजूरिया श्याम की जय। बोले खजूरिया श्याम की। तो भाई घूम घूम कर हालत हो गई है ख़राब एकदम और यहाँ की धूप आप देख सकते हैं बहुत ही टाइड है। तो अभी आए हैं यहाँ की दाल बाटी खाने के लिए क्योंकि सब लोग बैठे हैं अंदर। अभी चलते हैं दाल बाटी भी ट्राई कर लेते हैं। तो ये जी वही बाटी है ना। हाँ दाल बाटी। हाँ बोर दिया दाल तो आएगी ना उसके ऊपर। अब यहाँ तो ये ना पार्टी है सिर्फ।
तो गाइज अभी हम आए विकावास माता के मंदिर में, जो कि अभी ये लोग जहाँ जहाँ मुझे घुमा रहे हैं वहाँ वहाँ मैं जा रहा हूँ, और अच्छा लग रहा है मंदिर। अभी जहाँ पे पहले हम गए थे वहाँ की हिस्ट्री ऐसी है कि जो भी हम वहाँ पे दिल से मांगा जाए ना वो पूरा हो जाता है, सो इसीलिए हम वहाँ पे भी गए थे। तो अभी यहाँ देखते हैं क्या है। तो बाकी सब तो गए मंदिर के अंदर, मैं ही अकेला रुका था वहाँ पे। गौ माता था जो कि अपनी वीडियो में देखी हुई, उसी का दर्शन कर रहा था थोड़ा सा। ये देखो ये अलग से नाटक है, मतलब अभी देखो यहाँ पे अभी पहले ऐसा जाना पड़ेगा, फिर ऐसा हम बाहर की तरफ आते हैं। गरुड़ा इससे बना था। तो ये हालत है कुछ यहाँ के रोड की, अभी तो अच्छे हो रहे हैं लेकिन जब एक आध ट्रक वगैरह जाता है ना आगे का दिखता ही नहीं है। और इस तरह से हालत है कुछ हमारे, बाइक पे घूमना मतलब बहुत बड़ा टास्क है वो भी राजस्थान में। तो दोस्तों आज पूरे दिन की जो जर्नी में आज हम एक ऐसी जगह पे आए, अभी तक तो हम ऐसे घूम रहे थे लोकल जगह पे, लेकिन अभी हम ऐसी जगह पे आए जहाँ पे महाराणा प्रताप का एक विजय स्मारक है, जो कि यह विजय स्मारक महाराणा प्रताप का मुगलों पे ऐतिहासिक जीत पर समर्पित किया हुआ है। तो यही सब एक्सप्लोर करने के लिए आज हम आए, और यही सब हमें चाहिए था हमारे वीडियो में, जो कि अब जाके हमें मिला है। सो अभी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, तो चलिए आप भी हमारे साथ एक्सप्लोर करने के लिए, देखते हैं क्या है कैसा है। और यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप पढ़ सकते हो और मैं भी आपको बताऊंगा। सो अभी हम जहाँ पे आए हैं वहाँ का नाम है दिवेर, पर्यटन विभाग दिवेर, जो कि महाराणा प्रताप की एक जगह है जहाँ पे कुछ साल पहले 1582 में बहुत बड़ा भीषण युद्ध हुआ था मुगलों के साथ, जिस पर महाराणा प्रताप ने विजय प्राप्त की थी। सो उसकी इंस्पिरेशन यहाँ पे दी गई है। सो अभी चलते हैं ऊपर और जो स्मारक जो बना है उसे देखते हैं। सो दोस्तों आप यहाँ पे वो स्मारक देख सकते हो। सो अभी हमें ऊपर जाना है। तो आ गए जी ऊपर, बस यहाँ पर ही है, और जो बाकी सब हमारे साथ थे वो सब गए हैं अभी घर पे। आइए मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ जहाँ पे युद्ध हुआ था उस समय का। तो यहाँ से लेकर पूरा ये जो पहाड़ी इलाका आप देख रहे हैं, यहाँ पे उस टाइम का ऐतिहासिक युद्ध हुआ था। सो यही है जो स्मारक महाराणा प्रताप का, जो कि मुगलों पर ऐतिहासिक जीत के लिए यहाँ पर स्थापित किया है। तो आइए यहाँ पर बहुत सारी उनकी यादें और फ्रेम वगैरह है, तो वो भी सब अभी एक्सप्लोर करने वाले। सो यहाँ पे जो फ्रेम है वो महाराणा प्रताप दिवेर युद्ध विजय के पश्चात श्री एकलिंगनाथ जी का स्मरण करते हुए आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे महाराणा प्रताप का जन्म रविवार ज्येष्ठ सुधी 9 मई 1540 ईस्वी सन को महारानी जयवंताबाई ने कुंभलगढ़ के कवरपदा महल में कुंवर प्रताप को जन्म दिया था, मतलब हमारे महाराणा प्रताप को। सो ये सब जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए अब हम जानते हैं महाराणा प्रताप की शिक्षा, जो कि जिन्होंने युद्ध करना सीखा, तलवार चलाना, भाला चलाना जो भी सीखा वो कैसे सीखे हम यहाँ पे जान लेते हैं। यहाँ पे सब लिखा हुआ है। सो महाराणा प्रताप की शिक्षा, कुंवर प्रताप को मेवाड़ की रीति के अनुसार नीति व धार्मिक विषयों की शिक्षा दी गई, साथ ही युवावस्था में
आने तक कुंवर प्रताप को प्रताप ने घुड़सवारी अस्त्र शस्त्र का कुशल संचालन सैन्य रणनीति युद्ध की व्यूहरचना आदि में पारंगतता हासिल की थी। महाराणा प्रताप है कितने बड़े मातृभक्त थे ये भी यहाँ पे दिया गया है। आइए सो यहाँ पे दिया गया है मातृभक्त प्रताप। कुंवर प्रताप ने अपनी माता जयवंता बाई के पास कुंभलगढ़ में रहकर शिक्षा प्राप्त की। अपनी माता के आदेशों जैसे मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष, निहत्ते शत्रु पर वार नहीं करना और दो तलवारें रखने का हमेशा पालन किया। तो महाराणा प्रताप का राज तिलक। महाराणा उदय सिंह की दाह क्रिया से लौटते ही सामंतों ने विचार विमर्श करके सबकी सहमति से गोगुंदा की महादेव बावड़ी पर कुंवर प्रताप को बिठा कर सुलंबर रावत कृष्णदास एवं देवगढ़ रावत या रावत संघ सांगा ने उनका राज तिलक किया था। तो क्या आपको पता है कि ये कौन सी जगह है? सो ये वही जगह है जहाँ पर बहलोल खान कौन, जो कि अकबर का एकदम खास मंत्री था और उसको अकबर को बहलोल खान की ताकत पे बहुत नाश था। सो हमारे महाराणा प्रताप ने उससे ये वही जगह है। सच में आज मुझे बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि ये मैं उस जगह पे खड़ा हूँ कि महाराणा प्रताप ने बहलोल खान को दो हिस्सों में एक ही वार में अपनी तलवार से दो हिस्सों में काटा था घोड़े के साथ। मराठी तो बोलतो अंगावर शहारे आलेत हे बोलताना मला। सो अशा दिवेरचा महायुद्ध खरंच त्याची हिस्ट्री आहे ना, तुम्ही जाऊन बघा यूट्यूबला वगैरे तुम्हाला दिसे समजेलच। सो ही तीच जागा आहे जिथे आपले महाराणा प्रताप यांनी बहलोल खानला मारून टाकलेलं, त्याचे दोन तुकडे केलेले डायरेक्टमधून फाडलेला। सो असा इतिहास आहे इथला। आप सूरज देखो ऐसा हुआ है, सच में गजब का एक्सपीरियंस दे रहे हैं यार। मैंने गोप्रो में अपने टाइम लैप्स लगाया है, उसमें सिर्फ आप देखना टाइम लैप्स एक नंबर खतरनाक। गाइज अभी यहाँ से निकलने का वक्त हो चुका है, शाम हो चुकी है, सनसेट भी हो चुका है। तो फिर आई होप कि आपको महाराणा प्रताप जी का जो इतिहास है वो मेरी वीडियो के मार्फत थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। कल से वीडियो और अच्छे आने वाले। कल हम जाने वाले चित्तौड़गढ़, लक्ष्मण झूला और राजस्थान, और बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करना बाकी है। सो ठीक है, मिलते कल। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखना और कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग।